नमस्कार दोस्तों, ओम नारायण नमः, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके दुश्मन का पूरी तरह से रूह कांपने वाली है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही भयानक घटना आप लोगों के दुश्मन के घर में अब होने वाली है। आपसे जलने वाले जलते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके दुश्मन का सबसे बड़े दिन नजदीक आ रहे हैं। दोस्तों, उन लोगों के ऊपर या फिर उनके परिवार के ऊपर एक बड़ी विपदा आने वाली है। बहुत समय ऐसा आया है जब आप अपने आंसुओं को लेकर स्वयं बैठे हैं और आपने अपने कार्य हर तरह से करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो आपको बर्बाद करने के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, वो आपके दुश्मन की एक भी मनमानी अब नहीं चलेगी। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों को जितनी भी मनमानी करनी थी वह तो उन्होंने कर ली, लेकिन अब और वह नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हैं। आपके दुश्मनों ने आपका बहुत बुरा करने की कोशिश करी थी। आप लोगों को वे लोग गिराना चाहते थे। आप जब भी आगे बढ़ते थे वे आपको नीचे धकेल लेते थे। इसलिए अब उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। याद रखें, आपको बता दें कि आपके दुश्मनों ने आपके परिवार पर बहुत ही बुरी नज़र डालने की कोशिश की थी। आपके दुश्मन आपके परिवार को कभी भी कुछ भी खुश नहीं देखना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें, वे तांत्रिक क्रियाओं में भी आप लोगों को बर्बाद करना चाहते थे। दोस्तों, जहाँ पर वे विश्वास करते हैं तांत्रिक क्रिया पर, तो उन लोगों ने वहाँ पर भी ये करने की कोशिश की थी कि आपका परिवार इतना खुश कैसे है। इस चीज़ के लिए आपके दुश्मनों ने कई सारी क्रियाएँ भी की है। तो अब दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ से निश्चिंत हो जाना है कि आपके बुरा करने वाले अब खुला घूम रहे हैं या उनका कोई भी बाल भी पाका नहीं कर रहा है। ईश्वर के देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब आप लोगों का जो दुख था, जो परेशानी थी, उसका बदला स्वयं खुद ईश्वर लेने वाले हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने की कृपा करें। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लें, ताकि हर प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी समय समय पर आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए अब हम जानते हैं आपके 24 घंटे के राशि के महाराशि फल के बारे में, जिसमें आपके दैनिक जीवन में नए और बड़े परिवर्तन किस प्रकार से होने वाले हैं, इसकी आज हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानकारी को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन कौन से बड़े कार्यक्रम आप लोगों के लिए होने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोग के लिए विशेष कुछ हम लाभ गुण भी लेकर आए हैं। दोस्तों, धन कमाने के लिए आप अपने जूनियर्स की कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी वाहन को खरीदने की इच्छा आपकी पूरी होने वाली है व परिवार के सदस्य आपके प्रसन्न होने वाले हैं, लेकिन आपके कुछ विरोधी आपके बनते हुए कामों में अड़चन डालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, जिनसे आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के प्यार में आप डूबे नजर आने वाले हैं और उन्हें आप कहीं घुमाने फिराने को भी ले जा सकते हैं। आपके राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। माता पिता के भी आशीर्वाद से आप किसी नए व्यवसाय को साझेदारी में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आज कुछ धन व्यय कर सकते हैं। परिवार में संतान आपसे कोई बड़ी फरमाइश कर सकती है, जिसे दोस्तों आप लोगों को पूरा करना होगा। नौकरी में कार्यरत लोग आज अधिकारियों के मुँह से प्रशंसा सुनकर काफ़ी हद तक खुश होंगे व अधिक मेहनत से भी वह कार्य करेंगे। आपके राशि के जातकों के लिए दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने कुछ महत्वपूर्ण कामों को पहले करेंगे, लेकिन आपका कोई कानूनी कार्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको समय रहते इन सबको निपटाना होगा। आपको किसी यात्रा पर भी जाने का मौका मिल सकता है। भाई बहन आपके हर मामले में पूरा साथ देने वाले हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और गहरा होगा। यदि आपने किसी से उधार मांगा है तो दोस्तों आप लोगों को वह आसानी से मिल सकता है। आपके राशि के जातकों के लिए भी दिन मध्य व्रत से फलदायक रहने वाला है। आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपको भला भुला बोल सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावटें आ सकती हैं, इसलिए दोस्तों आपको उनका चेकअप समय समय पर करवाना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी पनप सकती है। दोस्तों, प्रेम जीवन जी रहे लोग
आज साथी की बातों में आकर के कहीं कुछ अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं, जिसके बाद में उनको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा में कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपके राशि के जातक काफी हद तक ऊर्जावान रहने वाले हैं, जिसके कारण आप किसी भी कार्य को बिना सोचे करने के लिए तैयार रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें जरा ध्यान देना होगा कि वे किसी भी गलत कार्य को हाँ ना कर दें। आपको जल्द ही धन कमाने के चक्कर में दोस्तों किसी गलत योजना में आप निवेश करने से आपको बचना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ में भी आप किसी मांगलिक कार्य में आयोजनित कर सकते हैं, जहां आपको परिजनों के साथ में पूर्ण मिलाव हो सकता है। राजनीति की ओर यदि आप कदम बढ़ा रहे हो तो आप दोस्तों कुछ कदम में परेशान रहने वाले हैं। आपके राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ी परेशानियां लेकर आ सकता है। आपको थोड़ा सा तनाव रहने के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, क्योंकि आपको दोस्तों ये समझ नहीं आएगा कि इस काम को करें आप या फिर ना करें। माता जी से आज आप कुछ जरूरी मुद्दों पर आप बातचीत कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपनी प्रतिबद्ध दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। नौकरी कर रहे लोग भी किसी छोटे मोटे व्यवसाय में हाथ आजमा सकते हैं, जिसमें वह काफी हद तक सफल रहेंगे। तो दोस्तों, जो नहीं होना था वही हो गया है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सावधान हो जाए। आपके आने वाले अगले 24 घंटे में जीवन में करने वाला है बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन। दोस्तों इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें, संतान पक्ष की तरफ से कुछ खास उपलब्धियां मिल सकती है। दोस्तों इन दिनों में आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ग्रह गोचर के चलते आप उन कार्य को भी करेंगे जिन कार्य को अक्सर आप करने से कतराते थे। दोस्तों ये हो रहा है केवल आपके बहुत अच्छे आत्मविश्वास के कारण आपके वह कार्य भी पूरे अवश्य होंगे और आपको उनसे लाभ भी अवश्य से प्राप्त होगा, जिसके कारण आप बड़े प्रसन्न नजर आने वाले हैं। दोस्तों व्यापार के नजरिए से भी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, जो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों आप अपने बहन के विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करने के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपको दोस्तों जरूर कुछ अच्छी सलाह प्राप्त होने वाली है। आपको किसी वृत्त संपत्ति के मिलने की आवश्यकताएं हैं दोस्तों, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, जिससे आपकी संपत्ति में भी बढ़ावा होने को मिलेगा। दोस्तों जीवन साथी से आप कुछ मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखने की आवश्यकता है, नहीं तो वह हो सकता है जिसकी आपको डर था। दोस्तों कभी कभार शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो वाण से भी ज्यादा चुभने वाले होते हैं, इसलिए दोस्तों थोड़ा सोच समझकर बोलिए और अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, जिससे दोस्तों पुराने गिले शिकवे पर भी बातचीत हो सकती है और गलतफहमी दूर होगी। व्यापार में किसी डील को आप फाइनल करने से पहले थोड़ा सोच विचार करिए कि आपके मन मुताबिक आपको लाभ मिलेगा या फिर नहीं। कभी कभी भावनाओं में आकर काम करना थोड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा जरा, वीडियो और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। परेशानी उत्पन्न हो सकती है, याद रखें, जिसके कारण आप उलझनों में फंसे हुए नजर आएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो घर की चिंता होती है व्यक्ति कहीं ना कहीं से चेहरे पर लेकर घूमता है, हमेशा उसके चेहरे पर चिंता का भाव प्रकट हो ही जाता है।